सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी मेहरा ब्लॉग में। कैसे हो गए? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम भी एकदम ठीक है। आज का ब्लॉग बिल्कुल सुबह सुबह स्टार्ट करी हूँ। टाइम लगभग 6:30 हो रहे हैं और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। जल्दी उठने का भी रीज़न है, क्या बताऊँ रीज़न। आज कल रात ना इतनी बारिश हो रही है ना, कल रात से लेके अभी तक यहाँ पर बारिश होने में है। बहुत सारा नुकसान हो गया है मेरा तो। और ये देखो, आप नीचे देख सकते हो भी पूरा गीला है। जितने कपड़े मेरे रात में बाहर थे ना, सारे गीले हो चुके हैं। हम गए थे कहीं पर पार्टी में, तो पार्टी में आने से 10 बज गए थे। आने तक का वहाँ से आने का जैसा हुआ नहीं, तो मेरा जितना भी सामान बाहर पड़ा था ना, सारा गीला हो चुका है। क्या बताऊँ, जूते धोए थे इनके, वो भी पूरे गीले हो गए हैं। ये देखो ऐसी हालत हो रही झाड़ू की, पूरे क्या ही बताऊँ। उधर जो हमने सामने में पर्दे लगा रखे हैं, वो देखो उतने आधे आधे तक भीग गए हैं। इतनी बारिश हो गई है और आज तो मेरा पूरा काम बढ़ गया है, क्योंकि बारिश की वजह से देखो पूरा अंदर तक पूरा कीचड़ घुस गया है। रात में आके मैंने ये सामान पूरा इधर को समेटा, क्योंकि यहाँ तक पानी आ गया था। और वॉशिंग मशीन भी वहाँ लगा दी दरवाजे के आगे, मैं शो को वहाँ बैठा रखा है, क्योंकि ये नहीं तो अंदर बाहर भागते रहता है। इसी वजह से क्या ही बताऊँ गाइस, बहुत ज़्यादा अभी भी मौसम बना हुआ है। अभी और बारिश आएगी लग रहा है, पता नहीं क्या ही होने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ख़राब हो गया बारिश की वजह से। और ठंडा हो रहा है, अभी भी स्वेटर पहनने का मन कर रहा है। क्या महीना लग गया, अभी भी स्वेटर डालने का मन कर रहा है। अभी स्वेटर निकालनी पड़ेगी लग रहा है मुझे। यहाँ पर काफ़ी ठंडा होने की वजह से ना बस ऐसी है। चलो गाइस नाश्ता पानी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही, तो बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। ये देखो पूरा सब कुछ भीग गया हमारा। फाइनली गाइस नाश्ता मैंने कर लिया। नाश्ते में बनाई थी मैगी, मैगी में हो गई मिर्च ज़्यादा, मेरी हो गई हालत ख़राब। और मैंने ये देखो क्या कबाड़ा कर रखा है, पूरा सामान बाहर निकाल रखा है। अब मैं इसको फटाफट से संभालती हूँ, अलमारी में सेट करना है अच्छे से। और सामने में हमने कूलर भी लगा दिया, लेकिन यहाँ ठंडा ही नहीं होना है, तो कूलर का क्या ही फ़ायदा है। चलो इसको फटाफट निपटाती हूँ, है ना। मैं बना रही हूँ गाइज दिन का खाना। दिन का खाना लगभग तो मैंने बना दिया है। चावल बना रखे हैं और इसमें है राजमा। और आज मैंने बना रखी है उत्तराखंड की फेमस चटनी, भांग की चटनी। ये देखो ये बना रखी है भांग की चटनी, मैं घर से लेके आई थी भांग। और काफ़ी स्वादिष्ट होती है चटनी भांग की, आप लोग भी ज़रूर बनाना। और जिसको नहीं आता है तो कमेंट करना कि कैसे बनाते हैं, मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूंगी कैसे बनाते हैं। और भांग की भी होती है, भंगेर की भी होती है, दोनों की टेस्टी होती है। भांग की मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि भांग की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। चलो गाइस हम लोग खाना खाते हैं, खाना बन ही गया है तो अब खा लेते हैं। खाना खाने के बाद मिलेंगे फिर से आपको। ये देखिए खाने की प्लेट हो गई है रेडी। ये है राजमा और गहर की दाल, यह है सलाद, यह है चटनी भांग की चटनी, और इधर हस्बैंड जी की थाली है। चलो खाते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत मन कर रहा है खाने का। ये देखिए गाइस हमारे गुलाब आ गया एक, मैंने अभी यहाँ पर की थी गुड़ाई। और यहाँ पर भी पूरा अभी डाल रही हूँ मैं पानी इसमें। और ये देखिए इधर भी हमने बहुत सारे फूल लगा दिए। ये देखो पूरे वो आगे तक पूरे फूल ही फूल लगा दिए हैं। यहाँ पर तो गुलाब के हैं और ये चमेली, अलग अलग वैरायटी के फूल बहुत सारे लगा रखे हैं। ये देखो गाइज आप बताना आपको भांग की चटनी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहना, मस्त रहना, जहाँ अपनी फैमिली के साथ व्यस्त रहना। टाटा बाय बाय।